ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना 1.5 महीना 2.5 महीना इससे ज्यादा नहीं लेगा, बाबा कार्य सफल कर ही देगा, विश्वास रखकर। शिव एक बात श्रेष्ठता में कही गई है, सांप के फन में जहर होता है, बोलो सही है कि गलत है? मधुमक्खी के डंक में जहर होता है, सही है? बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, पर मनुष्य जो छल करने वाला होता है, कपट करने वाला होता है, एक दूसरे को धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला जो होता है, उसके तो रोम रोम में जहर होता है। कब कहां से डसेगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। पर सांप को तो पहचान कर कह दोगे कि यह काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है? बिच्छू को देखकर डर जाओगे कि यह काटने वाला है? मधुमक्खी का डंक देखकर डर जाओगे कि मधुमक्खी काटने वाली है? इंसान को कैसे पहचानोगे कि यह काटने वाला है? मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि यह काटेगा? मानव को कैसे पहचानोगे कि यह काटेगा? हो सकता है तुम्हारे नजदीक में रहता हो, तुम्हारे साथ में रहता हो और कई वर्षों तक साथ रह रहा हो, कब काट जाएगा आपको मालूम पड़ेगा? नहीं, सांप को देखकर भय जाएगा कि इस काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, सांप, ये मधुमक्खी मुझे डंक मार सकती है, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे? तो शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत सुंदर कहती है कि जितने विषैली हैं, मधुमक्खी शंकर जी के पास, शिव जी का नाम एक धूमवान है, क्या नाम है? धूमवान। माता पार्वती का नाम एक धूमावती, जिनके पास में मधुमक्खी ढेर, पूरे शरीर के आसपास में मधुमक्खी मधुमक्खी है धूमावती के। शिव जी के गले में सर्प, वो भी विषैला, कानों में बिच्छू, वो भी विषैला। हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति विषैला है, ये हमको धोखा देगा, ये कपट करेगा, ये छल करेगा, ये झूठ बोलेगा, ये प्रपंच करेगा, कैसे पहचानेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती हमें पहचानना नहीं है। सांप डसेगा ये उसका काम है, मधुमक्खी काटेगी डंक मारेगी ये उसका काम है, बिच्छू डंक मारेगा ये उसका काम है, और मनुष्य हमको छलेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा, ये उसका काम है। पर एक बात याद रखना, सांप का जहर उतारने वाले का नंबर अपने पास रख लो, काटेगा तुरंत उसके पास पहुंच जाना, फोन लगा के मैं आ रहा हूं, काट खाया। बिच्छू काटे, बिच्छू वाले का नंबर अपने पास रख लो, जैसे ही काटे तुरंत उसके पास पहुंच जा। मधुमक्खी काटे तुरंत उसके पास पहुंच जा। उसी तरह मनुष्य जब काटे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र याद रखना, बस जहर उतर जाए। शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दातार है, कृपा का सागर है महाराज। ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा नहीं करता। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है, और बहुत बड़ी समस्या, और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली, और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग का। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूं, लाल मट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूं, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूं तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है
लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य है पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय है लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गए और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत सोर्स फोर्स सब लगा लिया, तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज पांच सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर बाबा से निवेदन कर घी का दिया लगाकर विनती कर उस शिवलिंग से निवेदन कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आधी परिक्रमा बेलपत्री की। आधी परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर शिवलिंग को नमन कर दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करना इस उपाय, बाबा से निवेदन कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा, बाबा कार्य सफल कर ही देगा। विश्वास रखकर शिव की आराधना कर, करुणा सागर शंकर, विश्वास रखकर आपने अगर भाव प्रकट कर, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ता होना चाहिए।